उज्जैन में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की 7 दिवसीय कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकला, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन शहर के आगर रोड पर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की कथा का 7 दिवसीय शुभारंभ किया गया, जहां पर सबसे पहले चल समारोह निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भक्त श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में जो शहर में मुख्य मार्गों से होती हुई आगर रोड पर सामाजिक न्याय परिसर पहुंची और यहां पर पूजा आरती कर कथा का शुभारंभ किया गया। यह कथा 7 दिन तक चलेगी, जहां पर श्रद्धालु शामिल होंगे। प्रत्येक वर्ष संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की कथा का वाचन किया जाता है और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की इस कथा में भक्त श्रद्धालु पहुँचते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अरे वैसा ही तो ले रहे हैं। और भैया, अगर हमने कुछ दिया नहीं तो लेंगे क्या? क्योंकि जैसा बो रहे हैं वैसा ही हमें मिल रहा है, समझ। तो गेहूं की फसल ही हम एकत्रित करेंगे, मक्के का बीज बोया है तो मक्के की ही फसल इकट्ठी, समझ गए। यहाँ जानते हो क्या होता है, आज हमारी व्यवस्था क्या हो गई? बोले हम भूल गए संतों की बातें जो उन्होंने बताई है। अरे इस भूमि ने थी तो अब कहां दी? यहां स्वर्ण के समान संतों का ज्ञान था, संतों की संस्कृति थी, इसलिए जाता था स्वर्ण के समान। यहां प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ज्ञान भरा भरा था। यहां का यह जो कार्यक्रम है कितने दिवसीय होगा? आज किस प्रकार से चल समारोह निकाला गया और किस प्रकार से क्या रहा? 7 दिवसीय आयोजन है। कितने वर्षों से आयोजन हो रहा है? ये लगातार 2 वर्ष हो चुके हैं। हालांकि आयोजन तो चल समारोह तो वर्षों से निकलता आ रहा है, लेकिन जो कथा जो हो रही है रविदास जी की, ये इसको ये दूसरा वर्ष है। देख लूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।